मैंने भी चंबर कर दे, फिर मैं उसको बोला बड़ा हिलना नहीं, मैं तेरे कपड़ी भी उड़ा दूंगा। डाकू कराची में रेस्टोरेंट लूटने पहुंचे तो मालिक ने फौरी एक्शन ले लिया और मुसल्ला डाकुओं पर फायरिंग करके उनकी दौड़े लगवा दी। ये तो अभी तीन है, चाहे तीन गुना इसे और भी है, इंशाल्लाह खौफ नहीं करेंगे। पहले तो मुझे बताइएगा ये वाकया किस तरीके से पेश आया, कितने रोज उसको हो चुके हैं और उसने अपनी हुआ क्या था कि आपको डर नहीं लगा कि आपने उस पर बड़ी, हमने देख रहे हैं कि वीडियो में बड़े धड़धड़ाहट से आपने उन पर फायरिंग की, कहीं लग रहा था आपको कि अगेन मुझ पर फायर कर सकते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खौफ इंशाल्लाह आज तक नहीं किया हुआ, ना खौफ हम करेंगे, खौफ एक अल्लाह से हम करेंगे जो पूरा कायनात का वो पालन वाला है। हाँ, जैसे एक हफ्ते के दिन सुबह थे 7 बजे के टाइम था, कस्टमर बैठे हुए थे, एक बाइक पे तीन बंदे बैठे हुए थे, पार्किंग में बाइक लगाया और तीनों मसला अपराध उतर गया, दो ने पिस्टल निकाले चंबर किया, जब उस लोगों ने चंबर किया मैं भी अलर्ट बैठा हुआ था, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस अस्ता अपना पड़ा हुआ है, फिर मैंने भी चंबर कर दे, फिर मैं उसको बोला बड़ा हिलना नहीं, जितना आप होशियारी करें उससे ज़्यादा हम होशियार हो के बैठे हुए हैं और कस्टमर की सेफ्टी हम खुद करेंगे और अपना सेफ्टी करेंगे, फिर मैं तेरे कपड़ी भी उड़ा दूँगा, जिस रास्ते से आए हो इसी रास्ते से निकल जाओ। आपने ये अल्फाज वाजे उनको बोले थे या किस तरह? नहीं जी, खुलेआम मैंने बोल दिया, वाजे तौर मैंने बोल दिया, वो सुन रहा था, वो मेरे तारे रुख कर रहा था मेरे पे बिल्कुल, इसने कोई नहीं, सामने पिस्टल रख भी दिया, साहब तो इशारे कर रहे थे कैमरे के फुटेज में आ रहे, तो जब मैंने डायरेक्ट उनसी पे रखवा था तो उन्होंने भी केयर दे के भाई चलाना नहीं, हम जा रहे हैं खुदा के लिए, जब खुदा का नाम लिया तो फिर मैं खुदा के नाम भी इन लोगों को छोड़ दिया। लाइसेंस याफ्ता अफसला आपके पास मौजूद था, लाइसेंस याफ्ता अफसला कब ख़रीदा था और क्या सोच कर रखा था कि कभी काम आ सकता है ये असला, या आपने क्या इसकी सोच विचार पे आपने ये असला ख़रीदा था, कब से असला साथ रखते हैं? असला तो वैसे भी आपको पता है हर इंसान का जो है ना सुना तामाल है बंदा रख ले हुए, और ये जेवर है, मर्द का जेवर ये जो है ना असला है, अगर इंसान की मानो में इसको इस्तेमाल कर ले ना तो वैसे भी मर्द के जो है ना जेवर है, फिर कारोबारी लेवल पे हर बंदे ने रखना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इतने सारे कस्टमर बैठे थे उस वक्त जब हम देख रहे हैं वो आप चला रहे हैं, और उस सुबह का वक्त था, कस्टमर्स की यहाँ माशाल्लाह लाइन लगी हुई थी, तो उस वक्त कहीं आपको ऐसा नहीं लगा यार अल्लाह ना करे अगर मैं फायर करूँ किसी ना किसी अशखास को लग जाए, कोई मेरा कस्टमर हो और उल्टा मेरे सर ये मामला आ सकता है, ये नहीं सोचा आपने उस वक्त? क्योंकि जिस तरीके से कस्टमर्स के अंबार थे कोई भी शख्स वहाँ से भाग सकता था, क्या हुआ था? यार ये सोच, अब ये इन लोगों ने चंबर लगाया, मैंने भी चंबर लगाया, मैंने ये सोचा कि आसपास फैमिलियाँ भी बैठी, कस्टमर भी बैठे हुए, मैंने भाई यार अगर मैं इस पे जो ना चला दूँ इसका जो आवाज़ है उसका खौफ होगा, ये कस्टमर आज हमारे पास बैठे हुए कल कहीं और बैठेगा तो उन लोगों में जो है ना खौफ हिरास फैला रहेगा, फिर कहीं पर भी नहीं बैठ सकता है, इस वजह से जो ना मैंने इसको पहले ही बता देगा भाई कि इसको जिस एहतियात से आप आए उस एहतियात से ज़्यादा हम बैठा हुआ है, ख्याल करना जिस रस्ते पर इसी रस्ते से निकल जाओ। कराची की आवाम का कस्टमर का तासुर बताओ। जी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश है भाई कि आपने माशाल्लाह बहादुरी का दिन मुजाहरा किया, तो सब आ रहे, सब थैंक्स कर रहे हैं कि भाई आपने माशाल्लाह बहुत बहादुरी कर दिया, हम सबका शुक्र गुजार है, सबका दिल गुजार है कि भाई जिस लोगों ने हमारे साथ मोहब्बत है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब ये बुलेट चलाया तो कितने बुलेट चलाया था आपने, 2, 3, 4, 1? नहीं मैंने उसको चलाया नहीं, मैंने उसको बताया कि आपको मैं जो ना कपड़ी उड़ा दूँगा जी, तो इस वजह से आप लोगों का शायद कैमरे में आ रहा है कि भाई इसने कोई एक दो जो ने चलाई, नहीं नहीं मैं उसको बताया कि आपका खोपड़ी में उड़ा दूंगा, पर इसी रास्ते से निकल जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक खौफ नहीं किया हुआ है सिवाय अल्लाह के, हमने खौफ कभी महसूस नहीं किया, चाहे ये तो अभी तीन है, चाहे तीन गुना इसे और भी है, इंशाल्लाह तआला खौफ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पुलिस के क्या तासुर है और FIR कराई गई नहीं हुई, क्या है मामला? SHO साहब उसी वक्त जो इन लोगों ने डकैत आए थे उनके बाद फौरन मोबाइल आए, मोबाइल को मैंने आगाह कर दिया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आप ये सब किया, वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है, हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में मिलियंस में व्यूज़ आपने हासिल कर लिए अपनी इस जारहाना अपनी बहादुरी की मिसाल पर, व्यूज़ का बताएं किसने वायरल की, किसने बनाई थी और किसका मशवरा था कि इसको वायरल कर दें? ये भाई है मेरा, छोटा भाई है, उसी ने वायरल किया जी, मेरा छोटा भाई है उसी ने वायरल किया, बाकी तो सारा रिजल्ट कैमरे का था, जो अपने कैमरे हमने सेटिंग फुटेज जो लगाया हुआ है कैमरे का सारा रिकॉर्ड उसी से किया था, फिर भाई ने इसको वायरल किया। अच्छा मुझे बताएं आप तीन मुल्ज़िमान आए, एक को गिरफ़्तार भी कर लिया गया, तो उस वक्त क्या हुआ, गिरफ़्तारी के वक्त क्या बताया SHO साहब ने आपका कि उसने इंकशाफ किया है कि मैं यहाँ आया था, किस तरह पता चला कि वही जवान है वही डकैत है कि जिसको यहाँ पर जो डकैती मानना है? पिक्चर उसने मुझे भेजा था, जो मोबाइल वाले आए थे उसी के एक बंदे का पिक्चर मुझे सेंड किया हुआ, वो पिक्चर जब उस बंदे को मैंने देखा था जिसने रुमाल अपने आप पर बचाया हुआ और जो जैकेट पहना हुआ है वही बंदा है।